देखो बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तुम्हारी अम्मी से बात हो गई है ना, अब वो ज्यादा परेशान नहीं होंगी। ठीक है, हम उन्हें थोड़ी देर में दोबारा कॉल करेंगे, फिर तुम्हारी बात भी करवा दूंगा और थोड़ी देर में मैं तुम्हें तुम्हारे घर खुद छोड़ के आ जाऊंगा। ठीक है? किसको छोड़ने की बात हो रही है? किसी को नहीं। नहीं, कोई बात तो हो रही थी, बताएं मुझे। असल में मैं कह रहा था रिदा से कि मैं बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारे स्कूल छोड़कर आऊंगा। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारे पापा कह रहे हैं ना, हम तुम्हें बहुत जल्दी स्कूल लेके जाएंगे। हाँ हाँ, हम तुम्हें बहुत जल्दी स्कूल लेकर जाएंगे। देखो, तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। देखा ना, बाबा ने कह दिया है, अब वो जरूर लेके जाएंगे। चलो अब जल्दी से चलते हैं, मैंने तुम्हारी पसंदीदा खीर बनाई है, चल के खा लेते हैं। आ जाओ। ये मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों मैंने जानबूझकर फोन काट दिया था? सिर्फ अपनी बीवी की तबीयत की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। ये मैं बहुत गलत कर रहा हूँ। क्या हुआ मारुख, सब ठीक तो है? सहमत, उम्मीद से बात हुई थी मेरी। उम्मीद? उम्मीद से? हाँ। कैसी है वो? क्या कह रही थी वो? कुछ कहा उसने? खैरियत से तो है? मुझे बताओ कुछ मारुख। लाओ मुझे नंबर दो, मैं फोन करता हूँ। मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, उसका नंबर बंद जा रहा है। चलो ये तो अच्छी बात है कि वो खैरियत से है, उसे कुछ नहीं हुआ है और उसने हमें कांटेक्ट किया। अब डोंट वरी, इंशाल्लाह वो हमें मिल जाएगी, तुम फिक्र ना करो। ओके, इंशाल्लाह।